कभी हम अपवित्र हैं, कभी स्नान नहीं किया है, तो शिवालय जाकर आप शिव जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाहर खड़े होकर शिवालय के शिखर का दर्शन करो ने, वो भी स्वयं महादेव का दर्शन है। दूर से शिखर का दर्शन करें। हम अभी वाड़ीनाथ महादेव के शिवालय में नहीं जा सकते क्योंकि वहां सिक्योरिटी है, वहां बंदोबस्त है। तो यहां से हम शिखर का दर्शन करेंगे तो भी हमारे लिए ये वाड़ीनाथ महादेव का ही दर्शन होगा। और शिव महाप्रद ग्रंथ में भगवान व्यास जी ने कहा है कि जो मनुष्य नित्य शिव जी के शिखर का दर्शन करता है और शिखर पर जो ध्वजा है, ध्वजा का दर्शन करता है, उस मनुष्य की कीर्ति की भक्ति की संपत्ति की ज्ञान विद्या की ध्वजा हमेशा आसमान में फड़कती रहती है। उसका जीवन कभी नीचा नहीं उतरेगा, उसका जीवन हर हमेशा ऊंचाई पर पहुंचेगा। इसलिए नित्य शिखर का दर्शन करें, महादेव के शिवालय पर ध्वजा का दर्शन करें, और कभी अवसर मिले तो शिवालय पर ध्वजा अर्पण भी करने चाहिए, उसकी बहुत महिमा है।